कल भी एक शो में झगड़ा हो गया, आपके शोज में लड़ाई क्यों ज्यादा होती है? वो तो स्टार्ट ही वहां से हुई थी ना, ये तो कल्चर ही वहां से स्टार्ट हुआ है। कैपिटल टॉक में आप पहले 3 साल देख लें, इमरान खान साहब के अंदर 4 ऐसी हैरानकुन खूबियां हैं जो पाकिस्तान में आज भी किसी लीडर में पैदा नहीं। इमरान रियाज साहब जो है ना, वो मियां नवाशी साहब के खिलाफ हमेशा उन्होंने बहुत बी लॉक्स किए, लेकिन उन्होंने मियां नवाशी को, मियां नवाशी ने फिर एक मीटिंग थी उसमें स्टैंड ले जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मेरे साथ एक पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जावेद चौधरी साहब, जो बेहतरीन कहानी, जो न्यूज़ की कहानी सुनाते हैं और बहुत ही अच्छी कॉलम्स में लिखते हैं, बहुत ही अच्छा बोलते हैं और सब आप इनको जानते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त दिया। वैसे मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, वैसे में कोई शक नहीं माशाल्लाह, और एक ही आपके साथ इंटरेक्शन हुआ बड़ा ज़बरदस्त हुआ है। अल्लाह ताला बड़ा आपको विजन दिया है, बड़े पॉजिटिव इंसान है और मेहनती बहुत है, और मैं बड़ा कायल हूँ आपकी आपकी मोहब्बत। नहीं, नहीं, तो आपको जानना चाहता हूँ, बड़ी मोहब्बत है आपकी, आप जैसे बंदे की तरफ से ये कहना। चौधरी साहब, आपकी लाइफ स्टोरी कई लोगों को नहीं पता होगी, आपकी सहाफत का सबको पता है, आपकी खबरें, आपके ज़ाहिर है तजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि लोग मुख्तसर बता देते हो। वैसे बहुत सारी इस पे कई बातें कई मरतबा हो चुकी हैं, इस पे कई सेशंस हो चुके हैं, लेकिन वसीम साहब ऐसा है कि मैं अपने खानदान का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था, क्योंकि हमारे खानदान की 10,000 साल की हिस्ट्री में किसी बच्चे को स्कूल नहीं भेजा गया था, और बच्चे इसलिए पैदा होते थे कि उन्होंने दुश्मनियाँ निभानी होती थी, और इसलिए बहुत अरसा तक जो है नेचुरल डेथ हमारे खानदान के अंदर नहीं थी, अननेचुरल डेथ ही होती थी सारी। उसकी वजह यह है कि इस टाइप की एक सोसाइटी थी या इस टाइप का एक फैमिली थी जिसके अंदर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं था कि किसी बच्चे को पढ़ाना भी है। तो मैं पहला बच्चा था जिसको मेरे पेरेंट्स ने स्कूल में दाखिल करवाया था, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने बड़ा रहम और करम किया। ये बेसिकली जो हम जो कुछ भी होते हैं उसकी मेहरबानी से और उसके कर्म से होते हैं और उसका रहम होता है, तो अल्लाह ताला ने शायद हम सब पे रहम किया और उसने हमारा रास्ता बदल दिया, और उसके बाद फिर हम सब लोग। आपके वाले साहब क्या करते थे? मेरे वाले साहब, क्योंकि उनका पहला जो काम था ना, वो तो देहाती थे, किसान थे, और आप ये समझें कि चौधरी थे गाँव के, और उसके बाद फिर उन्होंने कारोबार किया, और कारोबार उन्होंने बड़ा टका के किया जो ज़बरदस्त किस्म का। मेरे वाले साहब को बेसिकली तो पहले उन्होंने सप्लाई करने शुरू की कोयला, एक था ये कैंट है खरिया कैंट, वो बना तो उसको वहाँ पे बिजली नहीं थी, तो बिजली नहीं थी तो कोयला जलाया जाता था वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे उनको एक ठेका मिल गया कि वो वहाँ पे कंटोनमेंट में कोयला सप्लाई करते थे कोयला, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने अनाज मंडी में काम करना शुरू किया, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यापार किया उन्होंने। मेरे वाले साहब को ना नोट गिनने का बड़ा शौक था, और उनका कमाल ये था कि वो नोट सामने रख के ना उसको गिनते रहते थे, और पूरी चारपाई के ऊपर ना नोटों की तकियाँ होती थी, बिछाई होती थी उन्होंने, और वाले साहब ने इतने ज़्यादा नोट गिने कि उनके ये उंगली जो ने उसके ऊपर पोर से ये घिस घिस गई थी, उनको ये बड़ा शौक था। तो हमने बचपन में इतना ज़्यादा नोट देखे और इतनी बेकदरी देखी नोटों की कि कोई बंदा पैसों की हिफाजत नहीं कर रहा, पैसे पड़े हुए हैं, पैसे जा रहे हैं। उसका ये एक फ़ायदा हुआ कि हम में से जो 8 बहन भाई हैं, हम में से किसी आदमी को पैसे का क्रेज़ नहीं होगा उसके बाद, यानी ये एक ऐसी चीज़ रही है हमारे लिए कि जिसके लिए हमको मोटिवेट हो। तो ये वाले साहब ने शायद डेलिब्रेटली किया या उनकी हैबिट थी, लेकिन उसका ये इफेक्ट हुआ कि कभी पैसे की वो नहीं रही, 8 की 8 बहन भाइयों को पैसे की हवस नहीं है बिल्कुल। कोई अगर वो बंदा ये कहे ना कि जी आप 8 बहन भाई हैं, मैं सबसे बड़ा था खानदान में, सारे बच्चों में, हमें मेरे ताए के बच्चे भी मेरे बाद पैदा हुए थे, तो मैं आप समझे कि बड़ा था सब में, तो हम कोई 38 के करीब कजन से, तो उसमें सबसे मैं बड़ा था। अच्छा, तो कैरियर कहाँ से शुरू किया था आपने? देखिए, मैं एक तो स्कूल का इंतहाई नालायक आदमी था, नालायक स्टूडेंट था, बैक बेंचर था, और स्कूल के बारे में ये फैसला हुआ हुआ था कि पहले किसने, पहली पोजीशन किसने लेनी है, दूसरी किसने लेनी है, तीसरी किसने लेनी है, तो कंपटीशन होता रहता था, लेकिन मेरी पोजीशन के बारे में सबको यकीन होता था कि सबसे आखिर में इसी ने आना है, तो मेरी पोजीशन जो है ना अनडिस्प्यूटेड थी। तो मैं बैक बेंचर था, मुझसे बोला नहीं जाता था, एहसास कमतरी का शिकार था, कमज़ोर था, सड़ू सा नहीं होते, काले कोले से होते जनरल बच्चे, कमज़ोर से, और जिसको लोग बहुत ज़्यादा तोजो नहीं देते, तो मैं इस टाइप का आदमी था, और कोई मैंने पोजीशन हासिल नहीं की सिवाय मास्टर। जब मैंने एमए किया तो मैं उसमें गोल्ड मेडल में पहले मरतबा पोजीशन ली, वो भी मैंने सोचा था कि जरा एक बार करके भी देखना चाहिए। आपने पहले भी बताया था, मैंने जब कहा कि मैंने गोल्ड मेडल लिया तो आपने कहा मैंने भी लिया हुआ को कमाल लिया और मेरे जैसे नालायक ने ले लिया, आपको आदमी ये कहे ना कि बड़ा गोल्ड मेडल लिया, मैं कहता नालायक हूँ माशाल्लाह, तो मेरा नालायक। फिर आपने पहला कौन सा इदारा ज्वाइन किया? तो सर मैं फिर गोल्ड मेडल बड़ी बात है, अपने प्रोफेशन में तो ले लिया ना आपने। हाँ, जर्नलिज्म में, फिर मैं वैसे जर्नलिज्म नहीं करना चाह रहा था, मैं
लॉ कॉलेज में था, मैं वहाँ पे लॉ करना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन फिर मैं भावलपुर चला गया, जिस यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर किया, तो मैं उनकी जो पहली क्लास थी उस क्लास का पहला गोल्ड मेडलिस्ट था। तो मैं अपने एक दोस्त को छोड़ने गया था वहाँ, उसका जर्नलिज्म में दाखिला हुआ था, तो मैं उसको छोड़ने के लिए गया था। तो मुझे वहाँ पे देख के ना बड़ा अजीब सा लगा कि उसके अंदर कोई बाबे भी हैं क्लास के अंदर, कोई एक खातून है जिसकी उम्र को 45 साल है और टीचर्स भी ऐसे हैं बड़े दिलचस्प किस्म के। तो मुझे वो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का माहौल लगा कि मैंने लॉ छोड़ के तो मैंने वहीं जर्नलिज्म में दाखिला ले लिया। उस वक्त आपको पता था कि इतने बड़े साफी? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मैं कोई विजन नहीं था, कोई एहसास नहीं था, और वैसे अल्लाह के फैसले हैं सारे, उसके कोई शक नहीं, उसमें बड़ा रहम किया। देखें, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ताला हर शख्स पे करम करता है, रहम किसी किसी के ऊपर करता है जिसके ऊपर उसे तरस आ जाता है। तो मैं एक ऐसी शख्सियत हूँ जिसके अल्लाह ताला ने तरस खाया, जिस पर उसने कहा कि काबिल रहम थे। उसकी वजह यह है कि एक बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि एक बच्चा गांव में पैदा हुआ है, गांव में स्कूल नहीं है, दादा नहीं चाहता कि वहाँ पे स्कूल बने, फिर एक टीचर आ गया, उसका एक ही स्टूडेंट है, टीचर ने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर वो शहर मूव हो गया और शहर में फॉर्चुनेटली सामने स्कूल था घर के, तो वहाँ पे माँ ने दाखिल करवा दिया, उसके बाद उसने पढ़ना शुरू कर दिया। कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, कदम कदम पर अल्लाह के करम शामिल रहे। उसके बाद फिर ये कारोबार कर लिया वाले साहब ने, वो अमीर हो गए, लेकिन कल्चरली जो है ना, एक पेंडू है कि शहर के अंदर ही हम ठीक ठाक किस्म के पेंडू, चार भैंसें रखी हुई शहर के अंदर, सारा हर आदमी जो गुजरता है वो भैंस की आवाज़ निकालता है हमें देख के। फिर वाले साहब को एक शौक ये था कि वो सबके एक ही कपड़े सिलवा देते, तो 3800 हम सारे कदम से सबको एक ही थान ले गए ना, तो सबके एक ही कपड़े होते हैं, कपड़ा यूनिफॉर्म, सारे बच्चे निकल रहे हैं कि घर के अंदर से, दो घरों के अंदर से यूनिफॉर्म पहना हुआ। फिर वाले साहब को टेंट करवाने का बड़ा शौक था, वो सारे सबके बिठा के 3800 बच्चों की टेंट करवा देते थे, वहाँ पर टेंडें निकली हुई हैं सारी। और उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ, कभी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी हम उर्दू स्कूल में पढ़ रहे हैं, कभी हम किसी कॉलेज में जा रहे हैं, कभी वहाँ से टूटे खा के दूसरे कॉलेज में जा रहे हैं, कभी एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, कभी दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले, कुछ सब्जेक्ट अजीबोगरीब से। बाकी कजन भी आपके पढ़ गए उसके बाद, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा कर्म हुआ। तो करियर के बारे में बताया ना, फिर पाकिस्तान अखबार से आपने शुरू किया था? मैंने मतलब जर्नलिज्म कर लिया, मैं जर्नलिज्म कर लिया और मैं उसके बाद सीएसएस करना चाह रहा था, तो मैंने सीएसएस के पेपर्स दे दिए और उसमें मेरी पोजीशन आ गई और मैंने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि उससे पहले मैं फिर जर्नलिज्म में चला गया। तो फिर सर उसके बाद यह था कि नवाब वक्त लाहौर से मैंने जर्नलिज्म अच्छा। स्टार्ट की 1992 में, मेरा ख्याल है उसमें जाके स्टार्ट किया। और मैं पहले क्या काम किया? मैंने इसके अलावा कोई काम नहीं किया जी। नहीं, जर्नलिज्म में पहला काम डेस्क, आप ये समझें कि जर्नलिज्म की जो दरवाजा होता है ना जी, मैं वो था। और आप समझे कि चपरासी का काम किया मैंने, इतना मास्टर करने के बावजूद वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लेने के बावजूद, और मजीद रामी साहब ने मेहरबानी फरमा के मेरी 1400 रुपया उन्होंने तनख्वाह रख दी, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी तनख्वाह में, वो कहते थे हम 1200 देते होते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन देख के आपको 200 रुपये इजाफी दे रहे हैं। और उसके बाद ये था कि मैं, आप ये समझेंगे मेरा काम ये चपरासी का काम था, एक कि एक सब एडिटर खबर बना रहा है और उसने पे खबर एक रजिस्टर में रखी, उस जमाने में ना टाइप होती थी सारी, और फिर उसकी प्रिंट निकलता था, उसकी फिल्म बनती थी और फिल्म के बाद कापी पेस्टिंग होती थी। फिर उन्होंने मुझे दे दिया कि जा काका लेके जा, मैं उसको ऐसे बगल में देख रजिस्टर को वहाँ लेके जा रहा हूँ, फिर वहाँ से वापस ला रहा हूँ, फिर मैं उसकी प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, फिर किसी सीनियर ने कहा जा चाय लेके आओ तो मैं चाय लेके आ रहा हूँ, किसी ने कहा जूते पकड़ा दिए कि जाओ पॉलिश करवा के ले आओ, मैं जूते पॉलिश करवा के जा रहा हूँ, और फिर हमारे सीनियर ने कह दिया कि ये टेबल साफ करना है तो हम टेबल साफ कर रहे हैं। प्रॉपर रगड़ा खाया आपने? उसने कहा कि नहीं, सारे पेपर उठा के डस्टबिन में फेंक दे तो हम डस्टबिन में फेंक रहे हैं। कई बार ऐसे होता था कि हमारे सीनियर वाशरूम में चले जाते थे और उसके बाद उन्होंने कहा काका है वाशरूम साफ कर, आज भी काम करके बड़ा अच्छा लगता है, कोई भी काम करने का शौक है। मैं अपने ऑफिसेज है मेरे, अल्लाह ताला ने तो बहुत करम किया जी, बहुत छोटे छोटे हम काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनीज है, मेरे वर्कर्स के वॉशरूम जो होते हैं मैं उसे भी साफ कर देता हूँ। मैं अपने दफ्तर जाता हूँ तो अपना पर्दा उठाते हुए, दोस्तों लोग बैठे हुए हैं उनके पर्दे सीधे करते हुए, या उनकी लाइट साफ करते हुए, या अपने उसके दफ्तर के एसी बंद करते हुए, या डस्टबिन को उठाते हुए, मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे अच्छा लगता है। पर जब भी मैं ये करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि जब हमारे रसूल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर सिंपल सी काम को पसंद करते, सिंपल सी बात है। और इंसान काम करने के लिए दुनिया में आया हुआ है, जो आप कंट्रीब्यूट करें कुछ ना कुछ, आपकी वजह से किसी ने किसी की लाइफ बदलनी चाहिए। और चलें, अगर आप बहुत ज़्यादा कमाल नहीं कर सकते किसी बंदे के लिए, तो कम से कम आपके घर से, आपके दफ्तर से उसको पानी का गिलास तो मिलना चाहिए।
कोई ना कोई खैर मिले। फिर क्या हुआ सर ये काम करते करते? बहरहाल मैं वो उसमें जर्नलिज्म में आ गया जी, और वहाँ से काम करते फिर यहाँ मैं पाकिस्तान अखबार निकला इस्लामाबाद में, मैं फिर यहाँ आ गया जी, और फिर पाकिस्तान अखबार में सब एडिटर था, वहाँ से अल्लाह ताला ने उनको करम किया, मैं शिफ्ट इंचार्ज बन गया, फिर मैं यहाँ पे मैगजीन एडिटर बन गया उसका। फिर 96 में मैंने ऑल ऑफ सडन सब कुछ काम छोड़ के मैंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने हाँ ऐसे ही बिला वजह, कोई इसकी खास वजह नहीं थी, मुझे महसूस ही होता था कि कॉलमिस्ट बड़े पॉपुलर होते हैं तो ये काम करके देखना चाहिए, मुझे महसूस किताबें पढ़ने। हालांकि एक मैं चीज़ आपको भूल गया, उस जमाने में कॉलम निगार जो है ना आज के एंकर से भी ज़्यादा पावरफुल होते थे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा, इसमें कोई शक नहीं। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था बचपन में, कॉलम आप लिख ही नहीं सकते जब आप बहुत ज़्यादा ना पढ़ते। मैट्रिक तक की रशियन लिटरेचर तक पढ़ गया हुआ था जो मैं उसका, फिर उसके बाद वेस्टर्न लिटरेचर, फिर जॉन डिकन्स के सारे नावल पढ़ गया मैं, शेक्सपियर पढ़ लिया मैंने उस जमाने में, और कोई ऐसा लिटरेचर की चीज़ छोड़ी नहीं। और फिर अल्लाह ताला ने हाफसा बड़ा हैरान कुन दिया हुआ है, फोटोग्राफिक मेमोरी है जिसको कहते हैं, बड़ा रहम किया। एक एक चीज़ मुझे याद है, पिछले दिनों मैं स्कर्दू गया हुआ था तो एक बंदे ने कहा जी कि आज से ना 27 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी एक शो में, तो मैंने उसको सारा बताया शो के अंदर आपने क्या किया, बड़ा हैरान रह गया था, क्योंकि उसी वजह फोटोग्राफिक मेमोरी ये अल्लाह कॉलम लिखने शुरू किए और पाकिस्तान से लिखे। फिर नहीं नहीं मैं सबसे पहले कॉलम स्टार्ट किया था खबरें से ही, और उसकी वजह खबरें में उन्होंने कॉलम में ट्रेंड सेटिंग की थी, उसमें हसन असार साहब थे, हारून रशीद साहब थे, राजा अनवर साहब थे, उस वक्त बड़े बड़े अच्छे कॉलमिस्ट थे। अच्छा वो सारे लोग ना अचानक छोड़ के चले गए वहाँ खबरें से, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो मैं फिर जैद शाह साहब से मिला, मिल के उन्होंने कहा जी कि मैं इस तरह एक स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट ही समझें मुझे, जर्नलिज्म का तालिबे इल्म हूँ, आप लोगों को पढ़ के मैंने ये काम स्टार्ट किया है, तो मैं कॉलम लिखना चाहता हूँ। उसने कहा कॉलम लिखना तो बड़ा टेक्निकल काम होता है, मैंने कहा इस तरह करते हैं ना मैं कि मैं एक जॉब कर, मैं उस जॉब से इस्तीफा देता हूँ, ठीक है, लिहाजा मेरा वो सोर्स ऑफ इनकम खत्म होगा, सिक्योरिटी खत्म है, खत्म होगा किस चीज़ का, उसके बाद मैं आपके लिए कॉलम लिखता हूँ, आप एक महीना टेस्ट करें मुझे, और अगर एक महीने में आपको कॉलम अच्छा लगे तो आप उसके बाद पेमेंट करनी शुरू कर दीजिए मुझे। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक। तो वो मैंने कॉलम लिखा और मेरा चौथा कॉलम था जिस पे ज़ियाद शाह साहब का फोन आया, और उन्होंने कहा जी आपसे आप आज से आप हमारे साथ हैं और आपसे आप कॉलमिस्ट। वाह, उस वक्त क्या तनख्वाह रही, कॉलम की क्या लगी? उस वक्त देखिए जब मैं पाकिस्तान अखबार में था ना तो मेरे को 35,637 रुपये में, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, 35,000 निकले, 3,560 रुपये मेरी तनख्वाह थी, 3,560 रुपये उस वक्त मेरी तनख्वाह थी जी। और एक छोटे से घर में रहता था जिसे खुरली प्लाट कहते हैं यहाँ पे ना, रावी तो वाले साहब हल्के करते। मैंने जब अपना प्रैक्टिकली स्टार्ट कर लिया ना तो फिर मैंने वाले से कह दिया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद गुजार, क्योंकि मेरे वाले साहब को एक और बड़ा शौक था कि वो ये कहते होते थे कि जो कुछ किया मैंने ज़िंदगी में खुद किया, अपने तौर पर किया वो सर, तो मुझे मैं आइडलाइज करता था उनको। मैं आज भी एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब मैंने अपने वाले को याद ना किया किसी ना किसी जगह पर, क्योंकि उन्होंने हर मामले में हमारी बहुत मदद की, बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी गाइड किया, मेरे लीडर हैं वो, इसमें कोई शक नहीं। एक आदमी ने पूरी फैमिली ट्रांसफॉर्म कर दी देखे, और कहाँ के कत्लों का काम चल रहा है, बंदे मर रहे हैं, और उसने ऑल ऑफ सडन पूरी सोसाइटी का कल्चर, उसने अपने पूरे खानदान का कल्चर बदल कर रख दिया। तो मैंने उनसे कहा जी कि मैं खुद करूँगा, और फिर मैं ज़ाहिर मेरी शादी बड़ी अच्छी हुई और फैमिली बड़ी अच्छी थी, तो मेरी बेगम बड़ी अच्छी थी, तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये हमने खुद करना है। तो बहरहाल हम 3,560 रुपये में गुजारा करते थे, इसमें कोई शक, खुरली प्लाट था, 1.5 मरले का घर था इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद में राहुल टाउन में, राहुल टाउन में खुरली प्लाट उसको कहते हैं, तो वहाँ पे ना सीडीएन है पहले, जब फिर आपका अपना था किराए पे, नहीं किराए पे लिया, जब उन्होंने प्लाट्स दिए ना उन्होंने वहाँ पे रावल टाउन में, तो उन्होंने खुरलियाँ के लिए छोटे प्लाट दे दी जहाँ पे भैंसों का चारा होता था, तो उन्होंने लोगों ने ना वहाँ पे घर बना लिए थे, घर बना के किराए पे देते थे, तो एक घर नीचे था उसका, एक ऊपर मंजिल थी, उसको खुरली प्लाट कहते थे, तो उसमें दो कमरे होते थे, यानी एक कमरे में सब कुछ और दूसरा जो कमरा था उसमें मैं रहता था, दो मेरे बच्चे थे जी, और मोटरसाइकिल मेरे पास होता था। और उसके बाद अच्छा शादी के बाद भी स्ट्रगल किया, नॉक स्ट्रगल की शुरू दिन से। अच्छा ये था कि जब मैं नोएडा पे काम करता था ना वहाँ मैंने फिर एक एडिशनल काम करना शुरू किया, उसकी वजह ये थी कि 1400 रुपये मजीद नामी साहब देते थे, 1800 रुपये का मैंने कमरा किराए पर लिया हुआ था, तो खाना कहाँ से था, रहना कहाँ से था, तो फिर मैंने दूसरा काम स्टार्ट किया, फिर मैं आर्टिकल लिखता था मून डाइजेस्ट के लिए फर्जी नाम से। अच्छा, और वो मुझे 2000 रुपये देते, वहाँ से मुझे पता चला ज़्यादा तनख्वाह देते, ज़्यादा तनख्वाह, उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि आपके पास बेसिकली काम होना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, उससे आप खुशहाल होंगे, और अगर आप फर्ज करें एक जॉब स्ट्रीम होनी चाहिए इनकम, सेकंड थर्ड फोर्थ आपके पास इतनी स्ट्रीम्स होनी चाहिए कि जिससे आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार लें, तो वहाँ से मुझे आइडिया मिला था। उसके बाद फिर वसीम साहब हमने रुके नहीं, फिर हमने ज़िंदगी में काम किए, काम किए अभी भी काम।
अच्छा, करियर में सबसे हाई पॉइंट कौन सा था जिससे आप समझते हैं आपको फखर हुआ गया मैं साफी बना? रोजाना जी, रोजाना, आज का दिन, आज का दिन, हर दिन जो है पहले से बेहतर होता है। अच्छा, जिस दिन आपका आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर नहीं होता उस दिन आप फोत हो जाते हैं, उस दिन डेड है, तो आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। पहली दफा अपने आप पे सही फखर कब हुआ जब मतलब साफ? मैं अगेन ये कहता हूँ मैं आज के दिन ज्यादा फखर हुआ और पिछले दिन से ज्यादा। मैं स्टोरी के हवाले से आपको है कि मैं बहुत अच्छी स्टोरी थी जो जर्नलिज्म है ना, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, आप कोई कोई कॉलम जो कोई कॉलम्स होते हैं, कोई न्यूज ब्रेक कर देते हैं, कुछ आप इंटरव्यू कर देते हैं, कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं, ये कमाल नहीं होता। कमाल ये होता है कि आपकी वजह से क्या किसी की जिंदगी बदली है या नहीं बदली, तो इसमें जो छोटे छोटे जेस्चर्स है ना जिसमें लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कंट्रीब्यूशन मेरा हुआ। कितने लोगों की आपके ख्याल? बहुत ज्यादा, माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा रहम किस तरह से मतलब बदलती है। मैं कहीं जाता हूँ ना जी तो लोग मुझे मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, तो बंदा कहता है कि जी फलां कॉलम ने मुझे खुदकुशी से बचा लिया, फलां कॉलम आपका पढ़ा मैंने, उसके बाद मैंने सारे काम छोड़ के मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। बस मुझे एक बंदा मिला जो सजाए मौत का कैदी था, उसने कहा जी कि आपने कॉलम लिखा था तो हम जेल के अंदर कॉलम पढ़ते होते थे, तो मैंने पढ़ा तो आपने एक रेफरेंस दिया एक अमेरिका के बंदे का कि जो जेल के अंदर था, और उसने वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दिया, वो इतना ज़्यादा एक्सपर्ट हो गया कि फिर उसने लॉ कर लिया, फिर उसने अपना केस लड़ा, तो कहने लगा मैं इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने वहाँ पर जेल के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया। ना सिर्फ वो बंदा पढ़ा, आप हैरान होंगे, वो वकील भी बना, वकील बनने के बाद उस बंदे ने अपना केस भी लड़ा, केस लड़ के वो बंदा रिहा भी हुआ, रिहा होने के बाद अब लाहौर में वो जो जेल के अंदर मजलूम कैदी हैं उनके लिए वो स्ट्रगल करता है, तो उसने पूरी एनजीओ बना दी, यानी कि जिंदगी बदल गई। तो ऐसे ऐसी जो चीज़ें हैं ना बहुत वो उससे हम खुद भी आपकी बहुत फैन रहे हैं, जाहिर है वो एक जो कॉलम से ना आपकी उनकी उनकी एक धूम थी, कॉलम्स के बाद फिर आप टीवी की तरफ आए, फिर डिजिटल मीडिया की तरफ भी आए, खुद अपने आपको कौन सा जावेद चौधरी आपको पसंद है, कॉलम वाला, टीवी वाला या डिजिटल मीडिया वाला? देखिए जावेद चौधरी तो एक ही है ना जी, और किस रूप में मैं एक ही है ना जी, वो मुख्तलिफ काम कर रहा है, मसलन जो अखबार है वो एक जर्नलिज्म पर, जर्नलिज्म का बड़ा ज़बरदस्त टूल है, तो मैं एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पे काम कर रहा हूँ। टेलीविज़न जो है उसकी एक्सटेंशन है, तो मैं उस एक्सटेंशन में आ गया। सोशल मीडिया उससे भी अगली एक इंडस्ट्री है जर्नलिज्म की, तो मैं उसके अंदर आ गया। कल अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई फोरम बन जाता तो मैं उसके अंदर भी जाऊंगा। अच्छा, ये आपको आपको समझ है, बड़ी बात है कि मतलब आपको हमेशा से थे, आप तो उस दौर के हैं जब कॉलमिस्ट थे और कॉलमिस्ट ही रहे, आपके साथी ब्लैक एंड व्हाइट दौर में इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप मतलब हसन साहब के साथ रोते रोते पूरी फिल्म गुजर जाती थी, हारून रशीद साहब हैं, हसन साहब हैं, ज्यादातर लोग अपने कलमों से ही वाबस्ता रहे, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते रहे करते रहे। पुराने कंबल के साथ आपकी दोस्ती नहीं होनी चाहिए कि मैं जहेज में मिला था तो बाकी जिंदगी जो मैंने इसी के अंदर गुजारना है। जो इंसान अपने आप को इवॉल्व नहीं कर सकता, अपने आप को तब्दील नहीं कर सकता, नई चीजें नहीं सीख सकता, नए प्लेटफॉर्म पे अपने आप को टेस्ट नहीं कर सकता, मेरा नहीं ख्याल कि उसको जिंदा कहना चाहिए इंसान को, फिर बहुत हो गया हुआ, पुरानी टेक्नोलॉजी है। जब हम आईफोन 11 आज इस्तेमाल नहीं करते, हम आईफोन 14 या 15 इस्तेमाल करते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें, नई थॉट्स को हम क्यों नहीं ट्राई करते? तो अगर हम ये कहते हैं कि सिर्फ पराठा जो माँ के हाथ का बना हुआ है सिर्फ खुराक वही है, तो फिर तो आप बहुत हो गए ना जी, माँ के पराठे को गुजरे हुए तो 40 साल हो गए ना जी, तो आप पैनकेक्स का दौर आ गया, पैनकेक का दौर है, तो पैनकेक को क्यों आपने हराम करार दिया होगा, उसको क्यों आपने कह दिया? टेलीविजन में काम कर लेते हैं वो हलाल है, सोशल मीडिया आपके लिए हराम है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप पीछे हैं, आपके कई स्टेप्स अभी बहुत पीछे हैं, आप बहुत जिंदगी में पीछे, तो कोई चीज और बड़ी अच्छी बात है कि आपने अडॉप्ट किया है, उसको भी सीखूंगा, उसको सीखने के बाद उसके अंदर भी काम करूंगा सर। नहीं भाई, लेकिन ये है कि जर्नलिज्म मेरा पैशन है। अच्छा, आपके कॉलम की जो स्टोरीज है ना वो बहुत इंस्पायरिंग भी होती है और बहुत नाकाबले यकीन भी होती हैं। 5,000 साल पहले किसी एक बंदे ने एक बंदे को कहा तो कई दफा यकीन नहीं आता, फ्रैंक बात हो रही है ना भाई, उसकी वजह ये है कि आप पढ़ते नहीं हो, पढ़े तो पता चलेगा, लेकिन सारी सही होती है, कभी कोई गलत भी होती होगी आपके साथ, लेकिन लोग समझते हैं, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ कि लोग तो ये लोग तो कुछ भी समझते हैं, लोग तो आज तक वाकई अमराज जो उसके ऊपर यकीन नहीं करते, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। लोगों का क्या है, मसलन मैं लोगों के बारे में कहता हूँ कि आपके बारे में अगर कोई शख्स कह रहा है और अगर वो आपको नहीं जानता तो इग्नोर कर दे, क्योंकि आपको वो जानता ही नहीं बंदा सर, तो ये लोग कहते रहते हैं। अब मसला ये है कि फ़र्ज़ कर लें कि आप किताबें नहीं पढ़ते तो आपको हर चीज़ ही बुरी लगेगी। अब मसला मैं आपके सामने फ्रेंच बोलना शुरू कर देता हूँ, फ्रेंच बोलना शुरू कर देता हूँ, अब आपने फ्रेंच पढ़ी नहीं, आपने सीखी नहीं, तो आपको क्या यकीन आएगा? यानी कि वो जो लोग ये समझते हैं कि कहानी सही नहीं है, क्योंकि सही वेरीफाइएबल भी होती है, चैलेंज कर लें, चैलेंज कर सकते हैं, आप मुझे चैलेंज करें, चलो मैं कहता हूँ चैलेंज करें, चैलेंज तो पढ़ के चैलेंज करें, मतलब मुझे कहें तो सही, अगर मैं प्रूव नहीं कर सकता तो कोई पार्टी। अच्छा, लेकिन अगर आपने बगैर पूछे हुए, बगैर तहकीक किए हुए, बगैर कोई रिसर्च किए हुए आपने वैसे ही कह दिया कि ये बकवास है जी, तो बकवास तो हर चीज़ को कहा जा सकता है। हाँ, तनकीद तो किसी पर की जा सकती है।
अच्छा अच्छा आपके शोज के हवाले से होता है, कल भी एक शो में झगड़ा हो गया, आपके शोज में लड़ाई क्यों ज्यादा होती है? पता नहीं, आई डोंट नो, वैसे मैं खुद इस पे बड़ा वरीड हूं कि ये कैसे हो जाता है। वैसे हर एक के नहीं होता, लेकिन आप देखें 16 साल से मैं मसलसल शो कर रहा हूं पाकिस्तान के अंदर, 3 स्टेबल शोज हैं इस वक्त जो मसलसल एक ही टाइम स्लॉट पे एक ही चैनल के अंदर एक ही एंकर एक ही म्यूजिक के साथ एक ही किस्म के फॉर्मेट के साथ चल रहे हैं। तो जब 16 साल से आप शो कर रहे हैं और हफ्ते में 4 शोज होते हैं, अब हफ्ते में 4 शोज हैं, महीने में 16 हो गए, उसको मल्टीप्लाई कर दे 12 से, 12 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 16 साल का, जब इतनी लंबी इनिंग्स होगी तो उसके अंदर कोई ना कोई वाकया तो होता रहेगा सर। अब कहीं दूसरे लोगों 3-4 बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं आपके शो में, हाँ, देखें बाकी लोगों के शोज में इसलिए लड़ाइयाँ नहीं हो सकी या नहीं वो आपको आपके सामने आ सकी कि उनके शोज ही 2-3 साल चलते हैं। कैपिटल टॉक में आप पहले 3 साल देख लें उनके अंदर बड़ी टेम्पटास हुई बहुत ज्यादा और आज भी होती है। अच्छा एक तासुर ये है कि एंकर जो है ना जिस तरह लोग कहते हैं मुर्गे लड़ाते हैं, किसी और आपके बारे में नहीं कहा गया लेकिन किसी और के बारे में ये कहा गया, तो इस तासुर में कितनी हकीकत है? अच्छा वैसे अजीब बात है वैसे वसीम साहब के, मतलब फर्ज के 2 सियासी लोगों को लड़ा देते हैं, आप बैठे हुए, मैं फर्ज कर लेता हूँ कि आप मुर्गे हैं, ठीक है और चल कर लेते हैं मुर्गे हैं और आप अपने आप को इंसान समझते हैं, आप इंसान समझते हैं और आप पढ़े लिखे हुए हैं, आप यूनिवर्सिटी गए हैं, आपने वहाँ से मास्टर किया है, आपने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया है, उसके बाद आपने बड़ी स्ट्रगल की है, स्ट्रगल करने के बाद एक जर्नलिस्ट बन गए और कामयाब जर्नलिस्ट बन गए, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बगैर कुछ किए हुए या थोड़ी सी एफर्ट करके अगर आपको हाइपर कर लेता हूं तो फिर आपके पढ़े लिखे होने का क्या फायदा होगा? ज्यादातर पॉलिटिशियंस ही होते हैं ना आपके, वो इस तरह के पढ़े लिखे पॉलिटिशियन देखे हो, 3-3 लाख वोट लेके आए हुए उन्होंने और इतने समझदार लोग हैं, सीजनड हैं, उनकी उम्रें देखें आप, और अगर मैं उनको लड़ा देता हूं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कामयाब हो गया ना जी। अगर मैं फर्ज कर लें कि मेरी इंटेंशन है कि दोनों लड़ें तलवारें निकाल लें और उन दोनों ने तलवारें निकाल लें तो फिर आज से उनको अपने आप को सेंसेबल नहीं कहना चाहिए, आज से उनको अपने आप को पढ़ा लिखा नहीं कहना चाहिए, आज से उनको अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं कहना चाहिए, बल्कि आज से उनको अपने आप को इंसान भी नहीं। ये एक क्रिटिसिज्म आता है एंकर्स पे कि डिबेट इश्यूज पे नहीं होती, ही सेड शी सेड और आपस में मतलब शो ही है ना, फॉर्मेट है उसका, टॉक शो है, लेकिन कोई किसी नतीजे पे पहुंचे लोग, यानी कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी मिले जिससे कोई डिस्कोर्स डेवलप हो, माशरे में कोई ऐसा चीज आए जिससे फायदा हो, डिस्कोर्स से आपने फायदों की बात की ना कि आपकी जिंदगी से लोगों को फायदा होता है। डिस्कोर्स तो ये है कि कोई रिसर्च हो रही है, यहाँ पे कोई इंसुलिन बन रही है, यहाँ पे कोई वैक्सीन बन रही है, यहाँ पे हमने कोई रॉकेट क्रिएट कर लिया, किसी इशू पे जैसे मतलब महंगाई पे ही इकट्ठे हो जाए, खत्म करेंगे इकट्ठे हो जाए पानी के इशू पर, ऑनगोइंग है ना सर, ये चीजें तो ऑनगोइंग है, चलती रहेंगी और महंगाई चलती नहीं है वैसे, फिर भी आएंगे फिर आएंगे। मतलब बड़ी सेटल्ड सोसाइटीज है ना अमेरिका के अंदर आज तक फैसले नहीं हो सके, 4,000 चीजें उनकी अभी भी डिबेट चल रही है। यूके जो है, इंग्लैंड चले जाए, सबसे पुरानी पार्लियामेंट उनकी, आज तक वो डिसाइड नहीं कर सके चीजों को, ठीक है, इवन ब्रेक्सिट के बाद जो कुछ हुआ यूके के अंदर उसको वो कंट्रोल नहीं कर सके, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कभी, बस 3 प्राइम मिनिस्टर ने 3 महीनों में बदल दिए यूके जैसे मुल्क के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जैसे मुल्क के अंदर। तो ये जो चीज़ है ना याद रखिएगा कि ऑनगोइंग, जब ऑनगोइंग प्रोसेस है, गेंद ऊपर है और जब तक वो नीचे गिरेगी नहीं ये फैसला नहीं हो सकेगा कि कैच है या सिक्सर है, यानी कि अभी ये चलता है सिलसिला और हो सकता है आपके इन शोज से ही कुछ रिफॉर्म्स हो। दूसरी बात ये वसीम साहब, ये ना टॉक शो है, टॉक शो का मतलब टॉक है, गुफ्तगू है, कोई साइलेंट शो नहीं है कि जिसके अंदर 3 बंदे बस बुत बन के बैठे हुए इसमें करके बैठे हुए शो खत्म हो, नहीं टॉक की क्वालिटी की बात हो रही है ना। शो शो ये है कि जिसके अंदर कुछ चीज चल रही होती है उसको शो कहते हैं सर। देखे ना जो स्टेज शोज होते हैं, स्टेज शोज क्या होते हैं कि कुछ लोग काम कर रहे हैं और बाकी लोग देख रहे हैं उसका, ऐसे ही है ना, और सेम इसी तरह टेलीविजन के अंदर एक शो है, टॉक शो है, तो टॉक शो के अंदर गुफ्तगू लोग करेंगे और वो शो भी होगा और उसका कोई कंक्लूजन भी नहीं होगा, क्योंकि हम कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं खोल के बैठे हुए कि जहाँ पे थीसिस लिखे जा रहे हैं और उन थीसिस की बुनियाद पे हमने कोई फैसला करना है। तो ये एक 38 मिनट का मामला है जिस मुल्क के अंदर 74 सालों में या 76 सालों में कोई फैसला नहीं हो सका, आप चाहते हैं कि 38 मिनट के प्रोग्राम में हो जाए, कैसे मुल्क है? अच्छा तो आप वैसे जब ये झगड़ा हो रहा होता है आपके जहन में क्या गुजरी होती है, आप क्या सोच रहे होते हैं उस वक्त? बस ये 2-3 जेस्चर्स हैं जी, जैसे हर एंकर के जेस्चर्स होते हैं, तो मेरे भी कुछ जेस्चर्स हैं कि मसलन कोई आदमी अगर मेरे साथ लड़ना चाह रहा है और या वो झूठ बोल रहा है तो मैं बस हंस पड़ता हूँ, हंस के उसको कहते हैं ठीक है नहीं, लेकिन उस वक्त बचाते बीच बचाओ मतलब जो मसलन लड़ रहे होते हैं, जैसे अभी ताजा तीन लड़ाई जो हुई है मसलन, फर्ज करें अचानक एक बंदा खड़ा होकर उसने मौका मार दिया, हम क्या कर सकते, या तो ये हो कि बाकायदा वार्निंग दे पहले भाई साहब
मैं अगले 10 मिनट में उठने लगा हूँ और उठ के इनके मुक्का मारने लगा इनको, तो चले हम फिर लेकिन टेम्परेचर तो आपको बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं, अचानक हो जाता, अचानक हो जाता। आप देखिएगा ये जो दादा दिन शो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि 20-30 सेकंड से भी ज्यादा उसका ड्यूरेशन जिसके अंदर वो बॉइलिंग पॉइंट्स पे। फिर क्या हुआ था आखिर में, उसके बाद ज़ाहिर पेंटा लगाएगी उसे और उन्होंने और उसके बाद बड़ी मुश्किल से छुड़ाया उनको, ये था। और उसके बाद क्या किया जा सकता था ये देखिए, वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर हिस्सा हुआ है कि लड़ाई ही होती है इसमें, कुछ इससे पहले भी तो एक लड़ाई हुई थी ना आपके वो शो में जो पीपल्स पार्टी के थे कराची से, उनकी और खातून थी उनके साथ। बिल्कुल हुई थी, लेकिन एक सुन मारा था उन्होंने, लेकिन देखे वो लाइव शो था और वक्फे के अंदर हुआ था, लेकिन हमने दोनों को ठंडा करके प्रोग्राम भी पूरा किया। कल क्यों नहीं ठंडा किया? कल ज्यादा हो गया था, ज्यादा। अच्छा, ज्यादा। और वो चले गए जो आपने सुबह चलाई थी, अलग अलग कर दिया दोनों को। अब किसकी थी वैसे आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि जो शेर अफजल मरवत साहब की, क्योंकि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन उठ के किसी को मुक्का मारना जो है, क्या आप उसे जस्टिफाई कर सकेंगे कोई चीज़? नहीं नहीं, जाहिर है आपको एक हद तक रहना चाहिए, पढ़े लिखे लोग। जब वो शो किया तो उसके बाद अफनान ने भी पकड़ लिया उनको, अफनान ने नीचे गिरा लिया उसके ऊपर बैठ के, और उसको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। वो नीचे पुरानी छोटी सी जगह है जहाँ पे वो फंसे हुए थे, और हम सारे लोग उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उठा, मैं वायर लगी हुई थी कान में भी, पीछे भी वायर लगी होती है, अब वायरस निकालने के लिए बंदा चाहिए होता है, इसलिए आप खड़े थे क्योंकि कुछ वीडियोस में उसकी वजह मैं निकला, मेरी वायर फंस गई टांगों में सारे, और उसके बाद हम वायर निकाल रहे हैं और पीछे से खींच रहे हैं सारा वैसा करके, और उसके बाद जाके फिर हम उसके करीब पहुंचे। इतने में ये सारे लड़के पहुंच गए और उन्होंने बड़ी मुश्किल से अफनान को उससे अलग किया। आइंदा के लिए कोई सिक्योरिटी मैया कुछ सोच रहे हैं आपके, कुछ करें कि क्लाशनकोव रख लें यहाँ पे, लोग बच्चे बुला लें जल्दी पहुंच जाएंगे, वाटर कैनन क्योंकि आपकी तो तारेबंदी होती है, बच्चे तो आ सकते हैं, पानी का छिड़काव कर दें, क्या करें बस, क्या हो सकता है मुझे बताइएगा, मतलब ये जल्दी से आ जाए लोग, या फिर ये कि हीट अप होते ही बस छिड़काव कर दें। क्यों आप सोचते हैं कि अगली बार यहाँ पे लड़ाई होगी सारे? तीन हो चुकी है ना? नहीं, दो हुई है, एक फरदौस साहब का वान साहब की हुई है और एक दूसरी एक आपकी शाहजेब साहब से हुई थी जो मेरी उनके साथ हुई थी। हाँ, तो वो तीन हो गई ना। चलें, अच्छा ये देखो वो तो ज़ाहिर गेस्ट तो नहीं था, वो गेस्ट नहीं था। चलें, देखो मेरा ख्याल है मेरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। बाद में आपकी सुलह होगी? हाँ ठीक है, सुलह होगी, लेकिन वो ज़ाहिर जूनियर है, अगर उसने बदतमीजी की भी तो एज ए सीनियर मुझे वो बर्दाश्त करनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। मैंने वैसे बाद में उनसे माजत भी की थी और मेरी तो बड़ी जल्दी दोस्ती हो गई थी उनके साथ। बल्कि मैं खुद गया उनके पास हफ्ते के बाद। मैं ये समझता हूँ कि बीइंग अ सीनियर हमारा टेम्परामेंट इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप हर किस्म की बदतमीजी गाली बर्दाश्त करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त मेरा शायद खून खोल उठा, नहीं खोलना चाहिए, मैं ऑनेस्टली आपसे कह रहा हूँ। अच्छा, कुछ दिन पहले आपने खबर दी थी कि जो सहाफ़ी इमरान रियाज अगवा हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ियाब हो गए, उनके हवाले से नवाज शरीफ साहब ने दबाव डाल के या दबाव डाल के उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, ये बात करके वो किया था किस हद? आप मैंने एक, 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 एक महीना पहले मैंने ये भी ला किया था जब मियां नवाज शरीफ का, ये मुझे मियां नवाज शरीफ ने नहीं बताया ना, मैंने उससे कंफर्म किया था। बस देखें, दो जर्नलिस्ट नहीं, मुख्तदर हलके मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं हमारा, देखें दो जर्नलिस्ट हैं और एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो अपना नाम नहीं बताना चाहते, ठीक है, दूसरा मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरा उनके साथ इमरान रियाज के साथ बड़ा ताल्लुक है, ताल्लुक इस तरह है मुझे भाई कहता है। जब एक बंदा भाई कहता है तो आपको उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए, मैंने एफर्ट की, जो मेरी औकात थी मुझे इससे ज्यादा करनी चाहिए, मैं ऑनेस्टली आपसे कहता हूँ। बस नवाज शरीफ साहब ने क्या एफर्ट की, क्या कहा? उसकी वजह यह थी कि वो जो दूसरे सहाफ़ी हैं, वो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा, मैंने एफर्ट की और उसके बाद एक बयान आया था मुजम्मल सरवर्दी साहब का, वो भी सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने नहीं की, उन्होंने की और उन्होंने मियां साहब से कहा। अच्छा। मियां नवाज शरीफ, क्योंकि इमरान रियाज साहब जो है ना, वो मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हमेशा उन्होंने बहुत डीलॉग्स किए, लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ, और मियां नवाज शरीफ ने फिर एक मीटिंग थी उसमें स्टैंड ले जाऊँगा, उन्होंने कहा जी उस बंदा जो है ना मेरे खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे का हक है कि अगर उसने कोई जुर्म किया है तो आप उसे अदालत में पेश करें, ठीक है, और उससे उन्होंने कहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब मुझे ये पता चली, मुझे एक बड़े और ये मैं और उसका असर हुआ आपके हाल में, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि मुझे शरीफ फैमिली के किसी बंदे ने नहीं बताया, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे बहरहाल किसी बंदे ने बताया, मैंने फिर दूसरे सीनियर जो जर्नलिस्ट उन्होंने कंफर्म किया, उन्होंने कहा ये बात, तो आपको यकीन है कि उन्होंने किया? मैं फिर एक और जगह से कंफर्म किया, मुझे पता चला कि बात ठीक है, और फिर मैंने पुलिस से कंफर्म किया जिनको जिन्होंने जाके, लेकिन आईजी ने 2-3 बार बयान दिया था कि वो जानकारी आ जाएंगे, हमने एफर्ट कर रहा है, मैंने बाकायदा भी ला के। बात ये हो सकती है मियां नवाज शरीफ साहब के अंडर इख्तलाफात हो सकते हैं मेरे लिए, बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत सारे लोग मुझे अलाइन करते हैं उनके साथ, लेकिन मेरी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुद्दतों तक बात नहीं होती, और जब भी कभी होती है तो तलखी होती है उसमें आखिर में,
अभी पिछले दिनों आपने कहा था शायद वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे, मैं आपका व्लॉग सुनता रहता हूं, वो मुझे पसंद नहीं करते मियां साहब, ऐसे ऑनेस्टली मैं वाकई नहीं पसंद करता, मैं सीरियसली कह रहा हूं। लेकिन मरियम नवाज साहब से मेरी 7 साल से कोई बात नहीं, 7 साल से, ठीक है, आने रो रहा है ना आपका, 7 साल से मेरी उनके साथ कोई कम्युनिकेशन है, वो नाराज है मेरे साथ। और खान साहब से आपका क्या झगड़ा है? खान साहब के साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं है, खान साहब के साथ थोड़ी तंकीद आप ज्यादा करते हैं। नहीं कोई भी नहीं, देखिए व्यू है ना आपका मेरा, अगर आप मुझसे व्यू लेंगे मेरा और मुझे देना चाहिए तो आपके ख्याल में इस वक्त कौन सा सबसे अच्छा लीडर है जो मतलब इन तीन चार में, नवाज शरीफ हैं, जरदारी साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, इन तीन चार में कौन सा ज्यादा कैपेबल है कि इस मुल्क को इस मंझदार से निकाल सके? देखिए वसीम साहब, देखिए दुनिया में ना कोई बंदा अच्छा होता है ना कोई बुरा होता है, सिर्फ कंडीशंस होती हैं, कोई बंदा किसी वक्त अच्छा होता है किसी वक्त बुरा होता है, कोई एक आदमी एक फील्ड में अच्छा होता है दूसरी फील्ड में बुरा होता है। मसलन क्रिकेट के अंदर एक बंदा बैट्समैन है और साथ बॉलिंग भी करवाता है साथ फील्डर भी है, लेकिन वो किसी चीज़ में अच्छा होगा, वो बैटिंग में अच्छा होगा या बॉलिंग में अच्छा होगा या फील्डिंग अच्छी कर रहा होगा या गेट वो पीछे विकेट कीपर अच्छा होगा, लेकिन हम इन टोटैलिटी नहीं देख सकते उसको। ये बिल्कुल ऐसा था, एक बंदा ने कहा ना कि मुझे ड्राइवर चाहिए और ड्राइवर ईमानदार होना चाहिए और शरी होना चाहिए, पाबंद सोमो सलात होना चाहिए। तो एक बंदा आ गया, उसने क्राइटेरिया पर पूरा उतरा, तो उसने कहा ठीक है तुम ड्राइवर हो और तुम्हारी नौकरी पक्की है। तो उस बंदे ने कहा जी देखिए आपने अपनी सारी शर्तें मनवा ली हैं, तो मेरी 3 शर्तें आपको वो भी माननी पड़ेंगे। तो उसने कहा हाँ बताओ। कहने लगा पहली बात ये कि जहाँ आसान होगी मैं फौरी तौर पर सबसे पहले नमाज पढ़ूँगा, आप मुझे गाड़ी चलाने का नहीं कहेंगे। तो उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं तो खुद बड़ा नवाजी हूँ और मैं चाहूँगा कि तुम गाड़ी ना चलाओ, उसी वक्त वहाँ पर गाड़ी बंद करो, सबसे पहले दोनों नमाज पढ़ेंगे, तुम्हारी तय होगी। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि गाड़ी के अंदर म्यूज़िक नहीं चलेगा। तो उसने कहा मैं खुद मौसीकी को हराम समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। तो उसने कहा तीसरी एक और शर्त भी है कि मैं आपका ड्राइवर होने के बाद सबसे पहले ड्राइविंग सीखूंगा और उससे पहले आप मुझे गाड़ी चलाने का नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए मसला ये है कि ज़िंदगी में हम जो हर आदमी को यार रहमान में देख रहे होते हैं या शैतान में देख रहे होते हैं, ये गलत है। कुछ लोगों की कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। मसला इमरान खान साहब के अंदर 4 ऐसी हैरानकुन खूबियाँ हैं जो पाकिस्तान में आज भी किसी लीडर में पैदा नहीं, पिछले 76 साल में पैदा नहीं हुई। कौन कौन सी है? मसला पहली बात यह है कि इमरान खान गिव अप नहीं करता। एक भी बंदा पाकिस्तान में इतना स्ट्रांग आदमी नहीं गुजरा कि जो गिव अप ना करे इमरान खान। दूसरा, इमरान खान लोगों के साथ गुफ्तगू करने का एक्सपर्ट है, वो कनेक्ट कर लेते हैं। इतनी कनेक्टिविटी मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी शख्स की नहीं देखी। भुट्टो साहब की, भुट्टो साहब की भी नहीं थी, भुट्टो साहब की भी इतनी नहीं थी, आप यकीन करें जितनी ये बंदा कनेक्ट कर लेता है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। आपकी एक भी लीडर ऐसा नहीं है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, ऐसी बात है ना जी? बिल्कुल। और चौथी चीज ये है कि वो एक पूर टीम को खड़ा करके कमाल कर रहे हैं, टीम मेकिंग। गो बाद में टीम बिच करवा देती है उसको, इसमें कोई शक नहीं, शहबाज गिल साहब पाकिस्तान के अंदर निकल के। लेकिन टीम कैसी? आप ये टीम सिलेक्शन पे तो बहुत इतराज आते हैं, बुज़दार साहब इनकी टीम थी। देखें बुज़दार के जो प्रेम मिनिस्टर बनाए थे, बुज़दार के बारे में इमरान खान का ये कहना था कि जिस दिन मैंने इसको दाएं बाएं किया पंजाब में हमारी कमर चली गई, चली इतफाक नहीं था। अच्छा नवाज शरीफ साहब की भी कोई 4 खूबियां हैं या? नवाज शरीफ के अंदर, नवाज शरीफ के अंदर कुछ खूबियां, मैं सबके बारे में कहता हूँ कि जो जो खूबियां हैं, मसलन नवाज शरीफ के अंदर हम्बल है, बहुत ज्यादा बे इंतहा एहतराम करेगा। यानी आप इवन जब हम इंटरव्यू करने के लिए जाते थे ना, इंटरव्यू करने के लिए देखें, वो वाहिद आदमी था कि जो पूरे हमारे स्टाफ को, जिसमें ड्राइवर भी शामिल होते थे, जिसमें केबल बॉय भी शामिल होते थे, उन सब को खड़ा अपने वो उसमें डाइनिंग रूम में खड़ा करके खुद प्लेटें देके खाना खिलाता था। हो सकता है आपको ये बुरा लगता है, नहीं सुना है बिल्कुल। कोई भी मेहमान होगा ना बंदा नवाज शरीफ, उसको गेट पे छोड़ के जब तक गाड़ी नहीं जाएगी नवाज शरीफ वहाँ बैठा। अच्छा दूसरी बात यह है कि वो बंदा बुरी बात नहीं करता, मसलन अगर आप बात करेंगे ना और उसको पसंद नहीं है तो खामोश रहेगा, कभी मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा, ये उस बंदे में दूसरी खूबी है। अच्छा तीसरी जो उनकी खूबी है वो ये है कि कंसिस्टेंसी है उस बंदे के अंदर सारे। चौथी खूबी है कि डेवलपमेंट करना जानता है। पाकिस्तान के अंदर पिछले अगर 35 साल की पॉलिटिक्स को देख लें तो पाकिस्तान के अंदर जो भी मेगा प्रोजेक्ट हुआ है नवाज शरीफ के दौर में, आप मोटरवे से ले कर आप एसी पैक तक सारे देख लें, उस बंदे को इस चीज़ का पता है। अब उनके अंदर खामियां भी बहुत हैं, 4 ऐसी खामियां, लेकिन अभी बस ठीक है खामियां भी, खामियां चार की तो इतनी 16-16 नहीं, पहली मसल खामी उनकी अंदर ये है कि वो कान के कच्चे हैं, उनके कान में जो बंदा कह देता है वो मान लेते हैं और फिर गांठ डाल लेते हैं वहाँ पे, उस गांठ को खोल देनी पूरी ज़िंदगी। अगर आपके गेस्ट हो गए हैं तो पूरी ज़िंदगी आपके गेस्ट रहेगा नवाज शरीफ, जो गलत है। दूसरा ये है कि वो अपने सर्कल को बहुत छोटा कर लेते हैं, जब भी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो 3-4 लोगों की कैबिनेट होती है, किचन कैबिनेट होती है, तो वो कहते हैं ना कि उनको सेम पीपल
कि वो सेम पीपल इन डिफरेंट डेस्टिनेशन के मसला, अगर वो मरी जाएंगे तो वही तीन बंदे जाएंगे, लाहौर जाएंगे तो वही तीन बंदे जाएंगे, लंदन जाएंगे तो वही तीन बंदे जाएंगे, और वो तीन बंदे उनको पैल्यूट कर देंगे उनका माइंड जो है। और तीसरी चीज़ है कि वो जिद बना देते हैं, इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए स्टेट्समैन को, और उनके जिद की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है और पाकिस्तान को नुकसान हुआ वाशिफ की वजह से। ये चीज़ गलत है कि आप इनका जिद बना लें कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से लड़ना ही लड़ना। भाई अगर एस्टैब्लिशमेंट को आप नाकाम कर देंगे तो मुल्क टूट जाएगा। इस वक्त कैसे तालुकात मेरा ख्याल अभी तो सरदस्त आइडियल है, लेकिन ये ज्यादा अरसा आइडियल रहने वाले नहीं, और वो आ जाएंगे 21 अक्टूबर को चौथी दफा। मेरा ख्याल है कि वो 21 अक्टूबर को आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी।